कि हमारी इंडिया को आगे डेवलपिंग पे और अच्छे से लेके जा रहे हैं। अच्छा, उनका थर्ड टर्म है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि थर्ड टर्म में अगर उनकी मेजोरिटी नहीं आई है लेकिन वो प्रधानमंत्री है, आपको लगता है कि वो देश के लिए डिलीवर कर रहे हैं? जी हाँ, डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि उनका देश का जो डिलीवरी दिखती है, जो यहाँ पे भीड़ यहाँ पे आई है सब उनको सपोर्ट करने और यहाँ की फ्रेंडशिप को सपोर्ट करने। मुझे बहुत लोगों ने बोला जो पुतिन रशिया के लिए कर रहे हैं वो हमेशा मेड इन रशिया कहते हैं, वैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा मेड इन इंडिया की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि दैट वी लव यू मोदी। अच्छा, ये एक्साइटमेंट जो है आप इस तरफ वालों में नजर नहीं आ रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल है, मेरे ही बच्चे हैं। अच्छा, भारत माता की जय। बोलो बोलो, भारत माता की जय। मॉस्को में रहती है? नहीं, मम्मा भी जाती है। सही, मैं मॉस्को में रहती हूँ लास्ट 18 इयर्स से। आई एम वर्किंग इन ईयर मॉस्को, और मॉस्को का कम्युनिटी हम लोग इंडियन कम्युनिटी के साथ काफी अच्छा, रशियन कम्युनिटी काफी अच्छा हम लोग का काम है इधर बिजनेस में भी। और आफ्टर मोदी जी हम लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है, लेकिन वीजा को लेकर यहाँ पे अभी ऑनरेबल वीजा फ्री कर दिया है स्पेशली इंडियंस लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर से। सो वी प्राउड ऑफ मोदी। तो वो कह रही है कि देखिए बहुत सी हमारी समस्याएं हल हो गई है। प्रैक्टिकली हमारे देश के लोगों को बताइए, आप जो हिंदुस्तानी रूस में रहती हैं, तो आपके लिए क्या सुविधाएं मिली हैं जो आपको लग रहा है कि रूस इज द डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? वो अभी सबसे यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी सारी है, बिकॉज कि कभी अमेरिका और रशिया का बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो अभी इंडियन के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ बिजनेस को एक्सप्लोर कर सके। और हम ये चाहेंगे कि इंडियन को ज्यादा से ज्यादा इंडियन रशिया में आए और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को एक्सप्लोर करें और हमारा इंडिया आगे हो। हमारा इंडिया आगे हो, यही दुआ है, यही उम्मीद है। ये तस्वीर जो है यहाँ, वी आर टू मच प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, बिकॉज कि रशिया और इंडिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है, नहीं केवल ओनली बिजनेस को लेकर नहीं, जबकि पर्सनली भी रशियन पीपल आर टू मच सपोर्टिंग टू इंडियंस। और हम बोलेंगे कि इंडिया इज नंबर वन और रशिया इज ऑल्सो नंबर वन। थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर विमान, यही वहाँ पर विमान का दरवाजा खुल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मॉस्को पहुंच गए हैं 2015 के बाद 9 साल बाद मॉस्को पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले 2019 में व्लादिवोस्टोक गए थे, वो यानी रूस का दौरा किया था। बिल्कुल, आपको रोक रही हूं सुचरिता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर अब आपको नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें यहां पर मिलनी शुरू हो गई है, और यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देने की जो तैयारी है वो उनको दी गई है। तो यहां हम बात कर रहे हैं भारत और रशिया के संबंध की, और इस वक्त यहां पर वो स्वागत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी यहां पर है, और बात जिस तरह से कर रहे थे कि रूस हमेशा से ही, देखिए सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का करीबी वो रहा है, हम बात कर रहे हैं कि क्या आज वो अहम बातें होंगी, क्या आज वो अहम समझौते होंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर जो रूस भी यहां पर
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान यहां पर दिया गया और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार